हूँ आज का लोकल गाइड मिस्टर मिनमा रहता है और मैं आज आप सभी को मैं गुरुद्वारा दिखाऊंगा, हनुमान केव दिखाऊंगा, उसके बाद ओल्ड गोम्पा, न्यू गोम्पा, देन उसके बाद लंच का टाइम आ जाएगा, वापस आ जाएगा। अच्छा, एक दिन का फीस है 5,000। एक दिन का फीस है 5,000। यहाँ का लोकल गाइड का 3,500 है, लेकिन मैं 5,000 लूंगा। क्योंकि मैं आलो से हूँ और दापो जा रहा हूँ। तो कल हम लोग कहाँ गए थे? दार्जिलिंग में थोड़ा बहुत फोटो सेशन, मॉडल बनने का पूरा कोशिश किया। उसके बाद रात में बॉनफायर हुआ, खूब मज़ा आया यार। उसका एक भी वो नहीं है हमारे पास फुटेज, कल बॉनफायर में इतना मगन हो गए, कुछ शॉट शूट नहीं किया। एनीवेज आज अगर होगा तो करेंगे, नहीं आज करेंगे। वायरल क्या, वो तो यूट्यूब पर जाता है, उससे ज़्यादा क्या ही वायरल होगा। तो आधा घंटा रुकना पड़ेगा, बंकर को देख लेते हैं। कहाँ है बंकर? ओ ये बंकर पुलवामा का जो सैनिक का तरफ से वीडियो रिलीज किया था, उसमें ऐसा है कुछ इंडियन आर्मी से ना। पुलवामा नहीं, नहीं क्या था, पुलवामा नहीं, गलवान। संजीव जी कहाँ से दिख रहे हैं हनुमान जी? धूल धूल लगकर कहाँ से हनुमान जी है? पेड़ के वो जो बीचों बीच में जो है ना, हाँ बीचों बीच में इस साइड में बड़ा वो वाइट वाला दिखाई दे रहा है ना, पत्थर वही है। अच्छा ये वाला, हाँ ये जो बीच में सफेद सफेद सो जो है वही है ना। पहले मेचू का हिल तक ट्रैकिंग करना है और ऊपर से मेचू का पूरा व्यू लेना है। सो दिस इज व्हाट इज लाइंड अप फॉर ऑल ऑफ अस। सो फाइनली लगभग आधा घंटा यहाँ पर बिताने के बाद हम लोग, अब ब्लॉकेट जो था टेम्प्रेरी वो हट चुका था और हम लोग भी आगे बढ़ चुके थे। लेकिन बढ़ने से पहले एक अच्छी चीज़ हुई कि जो हनुमान केव था जिसको हम सोच रहे थे कि थोड़ा आगे जाके हम देखें, उसी पॉइंट से हमको बहुत आसानी से दिख गया। बेसिकली वहाँ पर एक केव है दीवार में जैसे आपने देखा, और साथ ही साथ वहाँ पर जो इम्प्रेशन बना है नेचुरल इम्प्रेशन, ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी का चेहरा वहाँ पर पहाड़ के साथ चिपका हुआ है, किसी ने वहाँ पर ड्राइंग जैसा बना दिया है। लेकिन जो ख़राब बात हुआ वो ये हुआ कि हमको स्नो देखने का चांस एकदम ज़ीरो था, क्योंकि इस बार पता चला कि इस इन इलाकों में देर वॉज़ वेरी वेरी लेस स्नोफॉल, सो देर वर नेक्स्ट टू ज़ीरो चांसेस ऑफ एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग एनी काइंड ऑफ स्नो, फॉरगेट अबाउट मेकिंग स्नो मैन एंड अदर थिंग्स। सो हम लोगों ने सोचा कि इट्स बेटर दैट वी मूव बैक, एंड एनीवेज हमारे पास फर्स्ट चेक पॉइंट को क्रॉस करने का परमिशन भी नहीं था। सो अब हम पहुंच चुके हैं उस गुरुद्वारे में जिसको मेंटेन कर रहा है, चला रहा है इंडियन आर्मी, और यहाँ पर इंडियन आर्मी इस गुरुद्वारे में लंगर भी चलाती है। और ये इस ऐसी जगह पर बनाया गया है जहाँ पर आज से लगभग 500 साल पहले गुरु नानक जी आए थे, आकर उन्होंने तपस्या की थी, तो उसी जगह पर ये गुरुद्वारा बनाया गया है। और हम लोगों को ये बात करके ये भी पता चला कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा म्यूज़ियम है जो सिख हिस्ट्री को डिपिक्ट करता है। सो मेरे लिए हिस्ट्री इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग, सो इट विल बी गुड टू हैव अ लुक एट इट। थोड़ा मैं आपको इस जगह की कहानी के बारे में बता देता हूँ जो मुझे भी यहाँ आके ही पता चला
कहते हैं कि काफ़ी साल पहले यहाँ पर एक बच्चा बीमार पड़ा था, तो पंजाब रेजिमेंट के एक मेजर थे, वो गए थे उनको उनका ट्रीटमेंट करने के लिए। उनको लगा कि डॉक्टर दिखाने से पहले वो खुद ही कुछ अगर दवाई दे के ठीक कर सके, तो जब वो दवाई दे रहे थे तो वहाँ पर कुछ लामाज थे, तो उन्होंने वो दवाई देने से मना कर दिया और उन्होंने कुछ वो मंत्र जाप करने लगे, और जाप करते हुए वो एक शब्द दोहरा रहे थे जो था नानक लामा। सो ये शब्द सुन के जो मेजर थे उनके उनको थोड़ा बड़ा अचरज हुआ, उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा कैसे आप नानक लामा क्यों कह रहे हैं। तो फिर उनको पता चला कि गुरु नानक देव जी इसी स्पॉट पे लगभग 500 साल पहले आए थे और यहाँ पर उन्होंने तपस्या भी की थी, और जिसकी वजह से यहाँ के लोकल लोग जो हैं उनको नानक लामा के नाम से अभी भी उनको उनकी पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं। क्या हुआ, यहाँ बैठ गए तुम लोग? देखिए सर, कुछ लगा हुआ है, कब्रिस्तान है तो इसीलिए हम भी रेस्ट कर रहे हैं। कब्रिस्तान वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोज्ड फॉर वन वीक। ओके, तो हम चले लंच करने। लंच करने तपोस्थान में जा रहे हैं। पहले लगा हुआ था कि क्लोज्ड फॉर वन वीक, अपेरेंटली किसी ने जाते हुए हमको बताया कि वो अभी थोड़ी देर पहले अंदर गए थे। सो चलते हैं, यहाँ भी काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं चढ़ते हुए। सो दिस इज़ द third spot we are visiting today, and so far it's been quite good. और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक दिन से ज़्यादा, अनलेस आप बॉर्डर जाकर देखना चाहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया चाइना का, then it's a different issue, but otherwise I think this whole place can be tackled or completed in one day. सुबह से लेकर शाम तक आप आराम से यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं, जो देखने लायक हैं, जो सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, वो आप देख सकते हैं, प्रोवाइडेड यू गेट अप अ लिटिल अर्ली, तो आप ये सारे स्पॉट्स देख सकते हैं, या फिर यूँ कहिए डेढ़ दिन में, बिकॉज मैं वो काउंट नहीं कर रहा था जो ट्रैक है, मैं चुका हिल तक जो ट्रैक है उसको लेकर मुझे लगता है डेढ़ दिन में ये सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं। सांस थोड़ी फूल रही मेरी क्योंकि बात भी कर रहा हूँ और सीढ़ियाँ भी चढ़ रहा हूँ। कजिन जीव जी, कैसा लगा चढ़ के ऊपर? हवा टाइट कर दी थी ना, खड़े तो हो गए थे कमर पकड़ के आप। जब गुरु नानक तिब्बत की यात्रा से वापस आ रहे थे, उन्होंने यहाँ पर रुक के समय उन्होंने यहाँ बिताया, यहाँ तपस्या भी करी, और जब एक दिन वो तपस्या कर रहे थे तो उनके ऊपर एक भालू ने अटैक कर दिया। यस, अ बेयर अटैक्ड हिम, एंड एज सून एज द बेयर अटैक्ड हिम, सच वॉज द पावर ऑफ हिज फाइनेंस ऑफ हिज तपस्या, दैट आस पास के जो पहाड़ हैं, जो पत्थर हैं, वो अपने आप से एकदम से उठ के उन्होंने गुरु नानक देव जी को प्रोटेक्ट किया। और कहते हैं कि वो इतने लंबे समय तक उन्होंने वहाँ पर तपस्या की थी कि पत्थरों पे उनके उनके सर पे जो उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी उसका छाप जो है वो पत्थरों पे पड़ गया। मैंने माइक इसलिए ऑफ किया हुआ है ताकि पान नदी के पानी का शोर जो है वो आप लोगों को सुनाई दे, क्योंकि माइक पे सब गायब हो जाता है। जैसे जैसे हम नदी के पास पहुँचते जा रहे हैं, पानी का शोर और तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वर्ग कहाँ है भाई, ऐसा है क्या? मिनमार मजाक कर रहा है तुम? मिनमार जो है क्यों, ट्रेनिंग में तुम्हारी खिंचाई करी तो तुम मेरी खिंचाई करोगे? कोई बात नहीं, अभी एक ही ट्रेनिंग हुआ है तुम्हारा, अभी और बहुत सारे ट्रेनिंग होने हैं। तो अब हम इन सीढ़ियों से होते हुए एक ऐसे झरने की तरफ जा रहे हैं जिस झरने से ये पता चल जाता है कि कौन है पापी और कौन है प्योर सोल। तो एक ऐसा झरना है जिसमें अगर पत्थर और झरने के बीच में से अगर आप निकल गए तो आप हैं प्योर सोल, और अगर कहीं से भी भीग गए तो समझ लीजिए कि आप हैं जी पापी। वाओ,
देखा हम ज्यादा पाती है हम ज्यादा पाती है और ओनी को देखो अभी ओनी को तो एक मिनी एडवेंचर के बाद पूरे गीले होते हुए ये साबित हो गया कि हम निष्पाप नहीं है। इनफैक्ट हम में से कोई भी निष्पाप नहीं है, सब गीले हुए, सब के सब गीले हुए। मेरा तो साइड पूरा भीज गया, सर बच गया है। सो अब जिसका भी जो मतलब निकालना निकाल सकते हैं, बट इस दुनिया में पापी हर कोई है, हर कोई कुछ ना कुछ पाप ज़रूर करता है। बट एनी वेज गुड वन, अच्छा रहा। और अब आगे बढ़ चुके हैं, हमारी बाकी टीम पता नहीं कहाँ चली गई है, ढूंढना पड़ेगा इनको। भाइयों इस केव में से जाना है। ओ अरे यार ये तो बल्लियां हैं भाई। अच्छा ये मेरा कैमरा कौन रखेगा? कैमरा तो लेते चलिए सर। अरे यार आदमी निकलना मुश्किल है, तुम कैमरा घुसाने को कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं है। ओए होए क्या बात है, पैर कहाँ है भाई? पैर सही। संजीव फंस गया, सॉरी अंधेरा हो गया है, कुछ दिख नहीं रहा। अंधेरा कायम है। आओ आओ। ओए सर बचा के रही, अब तो पूरा ही अंधेरा हो गया। संजीव जी कैमरा पकड़ो यार, रुको रुको इधर दिखाई दे रहा। अच्छा ऐसा है क्या? यो, यो, यो। अरे मैं तो सीधा निकल आ रहा हूँ। सर भी निकल गया ना। यो, यो। बच गए, बच गए। अरे उजाला और जबरदस्त नजारा भाई, अब ये तो कैमरा लेके नहीं चला जाएगा यार। रुको रुको तुम उतरो, हम संजीव को पकड़ाते हैं। चल दो। कहा जाता है कि इन गड्ढों में जिनमें पानी भरा है, इसके अंदर जो पत्थर है उसको हमको बिना देख के उठाना है। जिसने लगातार 3 बार सफेद पत्थर निकाल लिए उसकी मनोकामना पूरी होगी, और जिसके काले पत्थर निकले उसकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। सो अब जब यहाँ पहुंचे तो हमारा भी कोशिश यही कि हर कोई अपना अपना किस्मत आजमाए, देखते हैं किसकी मनोकामना पूरी होती है। सफेद चल तेरे लिए, सफेद ही लास्ट आखिरी। महाकाला है ये तो। मनोकामना पूरी, शाबाश। मेरा कंप्लीट कर लेगा तू? 3 बार फिर से कर। 3 बार वो कैंसिल हो गए फर्स्ट टाइम में सफेद निकलने से। ओके काला। अब उसी को ढूंढ के उठाएगा। अरे वाह। और तीसरी बारी। अरे शिवाजी सर का अभी देखेंगे, उसका दिल काला है ना सफेद है? ओ सफेद थोड़ा लाल है। दो निकाल दिए मैंने, दो निकाल।
तो झरने भी देख लिए और गुफाएं भी देख ली, गुरुद्वारे के भी दर्शन हो गए, ये भी समझ में आ गया कौन पापी है कौन पापी नहीं है, किसके किसकी मनोकामना पूरी होगी किसकी नहीं होगी। हम लोग भी वापस अपने होमस्टे की तरफ चल रहे थे, अभी सिर्फ दो एक चीज़ और बचा था, वो न्यू गोम्पा का दर्शन। और इसी बीच में जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ ऑब्वियस सिक्योरिटी रीजंस, हम लोगों ने आर्मी कैंटीन से कुछ सामान वामान खरीदा, वहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। बट अब हम लोग जो हैं चल पड़े हैं न्यू गोम्पा तरफ, ये रोड सीधा हमको न्यू गोम्पा की तरफ ले जाएगा, जहाँ से दो चीज़ें हैं, एक तो गोम्पा अपने आप में भी सुंदर है, दूसरा गोम्पा एक हाइट पे है जिससे कि पूरा मेचुका शहर हमको दिखेगा। सो चलिए वहाँ चलते हैं, कुछ और क्लिप्स एंड शॉट्स लिए जाते हैं, चलिए। तो इसके साथ ही हमारा दूसरा दिन भी समाप्त हुआ, काफ़ी कुछ घूमा काफ़ी कुछ देखा, और एज़ यूजुअल आज रात को भी प्लान है कि हम बॉनफायर करेंगे और खाना सब लोग मिलके ही खाएंगे। कल का प्लान जो है थोड़ा एक्साइटिंग है, थोड़ा नहीं काफ़ी एक्साइटिंग है, क्योंकि कल सुबह 5:30 बजे हमको ट्रैकिंग के लिए निकला है, जो मेचुका हिल है उसके ऊपर तक हमको पहुँचना है। वैसे तो कह रहे हैं कि 1 घंटे का ट्रैक है, बट ग्रुप है, ग्रुप में अलग अलग लोग हैं, देखते हैं कितनी जल्दी पहुंचते हैं, और फिर वहां से वापस नीचे उतर के ब्रेकफास्ट करके हम लोग आलो की तरफ निकलेंगे। और प्लान ये है कि हम आलो, या तो आलो पहुंच के रुक जाएं आलो में, या फिर हम आलो से सीधा पासीघाट के लिए निकल लेंगे, सो दैट परसों फ्लाइट पकड़ी जा सके। सो लेट्स होप फॉर अ बेटर डे टुमारो। टिल देन, इफ यू लाइक माई वीडियोज़ लाइक देम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर न्यू ट्रैवल ब्लॉग्स। सी या।